ਕਰਦੇ ਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖਰਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ सब तो पहला तो मैं तुहानूं यह जान पछाण करा दिया मैं भारतीय किसान यूनियन एकता आजाद वालों सूबा आगू जसविंदर लौंगोवाल अज जी शाजली पिंड दे विच असी मीटिंग रखी हैगी है क्योंकि उत्तरी भारत दीआं 16 जथेबंदियां दे वल्लों जिहड़ा आरंभिया संघर्ष है केंद्र तों मंगां प्राप्त कराउण लई जिवें हड़ पीड़ितां नूं मुआवजे की मंग हैगी है वड्डा नुकसान हो गया भारत के वख वख राज्यां दे विच साडी मंग है भी 50,000 करोड़ रुपया ये सारे राज्यां नूं केंद्र सरकार वखरा पैकेज देवे तां कि किसानां दी जिहड़ी हालत सुधर सके। दूजी मंग हैगी है भी MSP तहत सानूं जिहड़े खरीद की गरंटी के कानून है वह राज सरकारां ते केंद्र सरकार तय करे तां कि साडी मंगी मक्की ते मूंगी है जिहड़ी वह सस्ते रेट लुट्टी जा रही है होर फसलां जिहड़ियां साडियां सस्तियां लुट्टियां जा रही हैं। इस तरह होर मंगा ने जिवें किसान करजे बदले खुदकुशियां करदे आ उहनां दे करजे दे उत्ते केंद्र सरकार लीक मारे ये वड्डा अंदोलन जाणी असी उत्तरी भारत दीआं 16 जथेबंदियां ने आरंभिया होया आउंदे दिनां लई साडा एक्शन ऐलानिया होया 28, 29, 30 तीन दिन लई असी वड्डा मोर्चा भारत दे विच खोलण जा रहे हां। सब तो पहलां 28, 29, 30 तीन दिनों का मोर्चा पंजाब दे विचों खुलूगा पंजाब दीआं रेलां ने जिहड़ियां उहनां दा चक्का जाम करांगे। सो उस तैयारी वजों असी पिंड पिंड किसानां दे कोले जा रहे हां बेनती कर रहे हां कि केंद्र सरकार तों मंगां मनाउण दा बहुत वधिया ढुकमा समा है किसान वीरो अपने कोले फसलां वाले पासे खेती वाले पासे रैल है तुसीं निकलो। इसे तरह ही इस पिंड दे जिहड़े किसान पहलां वख वख जथेबंदियां दे विच कम करदे सन उन्होंने साडी इस गल्लबात नाल सहमति जताउंदे होए फैसला कीता है कि असीं BKU एकता आजाद नूं ज्वाइन कर रहे हां। असीं अज पिंड कमेटी का इत्थे गठन किया है BKU एकता आजाद का सारे आगू साढ़े पुराने जान पछाण वाले सानू एक दूजे नूं परखे परत्याए हुए आगू मिले है असीं इन्हां दा तहे दिलों बहुत बहुत इस नगर का धन्नवाद करते हैं कि जिहड़ी अज नवीं कमेटी बनी आ उहनूं वधाई दिंदे आ कि वह दिन रात तरक्की करे वधे फुले लोगों दीआं मंगां मसलियां नूं हल कराउण दे समर्थ होर तकड़े होकर लड़न। प्रधान जी किन्ना क साथ मिल रहा है किसानां दे वल्लों जिवें तुसीं पिंडां दे विच जांदे हो मीटिंगां करदे हो साथ असी अज कह सकते हैं कि लुधियाने के रंगोवाल पिंड दे विच असी अज बनाई है नवी कमेटी ज्वाइन किया उत्थों के किसानों ने 4-5 पिंड उत्थों के होर नाल शामिल हुए सन। इस तरह ही पटियाले का एक पिंड अज ज्वाइन कर चुके है जथेबंदी नूं BKU एकता आजाद नूं इधर शाजली का एक पिंड यानी अज असी दो भोग भुगताए है एक मढेर कलां दे विच भोग समागम सी मरगत का एक बलरे पिंड दे विच साडे किसान दी मौत हो गई सी उहदा भोग समागम सी यानी 5 प्रोग्राम असी अज BKU एकता आजाद वल्लों अटेंड कीते आ। 6वां प्रोग्राम पटियाले दे विच एक भरातरी जथेबंदी नाल साडी गल्लबात चल रही है तां कि असी इकट्ठियां करिए जथेबंदियां नूं आउंदे दिनां लई वड्डे कोल इन्नी खिच है लोकां वल्लों सानूं प्यार सत्कार मिलण दे विच कोई दिक्कत नहीं पर साडे कोले अपने कोले समां जिन्ना कु उस हिसाब नाल असी पिंडां जा रहे हां। सानूं यकीन है कि आउंदे दिनां दे अंदर असी पूरे भारत दे विच आपदी गल्लबात लिजा के इस लामबंदी नूं 16 जथेबंदियां नाल वड्डा गठ है जिहड़ा तोरन दे विच कामयाब होवांगे क्योंकि प्रीतम सिंह दी शहादत ने साडे ओ सारे जिहड़े हौसले टुट्टे वाले लोग बैठे सी वी हुण वड्डे अंदोलन नहीं हुंदे ओ शहादत ने दुबारा अंदोलनां दे विच जान भरी है साडा नौजवान वड्डा हिस्सा जिहड़ा ओ अंदोलनां दे विच मोहरी होकर रोल अदा करेगा सानूं भरोसा इस गल्ल दा। अज असी पिंड शाजली दे विच आयांगे यह सनाम ब्लाक का पिंड है अज इस पिंड दे विचों वड्डी गिणती दे विच कुछ साथी ने जिहड़े साडे जिन्हां विच ब्लाक भार दा आन भी ने BKU डकौंदा दे उह भी शामिल होए ने गे ते पिंड दे विचों सैकड़ियां दी गिणती दे विच जिहड़े उहनां दे वर्कर साहिबान ने उह साडी BKU एकता आजाद जथेबंदी विच शामिल होए ने ते अज जिहड़ा सुनेहा असी लै के आए सी इहनां कोले क्योंकि तुसीं देखिआगा पिछले समें दे विच जिस तरह पंजाब ते भारत दे जिहड़े हालात ने गे जिहदे विच खेतीबाड़ी दी बड़ी मंदी हालत है वो हो चुकी है तो लगातार जिहड़ियां जथेबंदियां ने संघर्ष दे विच जुटियां होईयां ने। इस तरह उत्तरी भारत दीआं 16 किसान जथेबंदियां ने जिहदे विच BKU एकता आजाद भी शामिल है उन्हां वल्लों हड़ां दी मार नूं लैके MSP दी मंग नूं लैके
ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੰਘੀ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਉਹ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 16 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਰੋਕੋ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਟਕਾਉਂਡਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਾਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਜਾਣੀ ਇੱਥੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਲਵਿਆ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਛਾਇਲੀ ਦੀ ਜਾਣੀ ਪਿੰਡ ਇਕਾਈ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਜ਼ਾਦ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕੋਈ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਜ਼ਾਦ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ।